नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वेदांता स्टॉक के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वेदांता में 3% की तेजी दिखी और एक्सपेक्टेशन है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि वेदांता की सब्सिडरी जो हिंदुस्तान जिंक है उसके अंदर देखेंगे तो 6 दिसंबर को एक बोर्ड मीटिंग होनी है इंटरम सेकेंड डिविडेंड को लेकर के, तो जिसके कारण रहा कि वेदांता में तेजी दिखी। और हिंदुस्तान जिंक को देखेंगे तो अर्लियर इस स्टॉक की डिविडेंड की हिस्ट्री भी काफी बड़ी है और इंटरम डिविडेंड मुझे लगता है कि 1000% से लेकर के 300% के आसपास देख सकता है, यानी देखेंगे तो लगभग आपको जो है 21 से 26 यानी 21 to 26 रुपीज पर शेयर तक का डिविडेंड अलॉट होते देख सकता है। यहां देखेंगे हिंदुस्तान जिंक टू कंसीडर इंटरम डिविडेंड ऑन 6 दिसंबर, एक्सचेंज को फाइलिंग करा है। इसके अलावा वेदांता की डिलीवरी बेटर रही है और टेक्निकल ट्रेंड इस समय देखेंगे तो पॉजिटिव होते ट्रेंड दिखा है। यहां देखेंगे तो पॉजिटिव होते दिखा है, हालांकि अभी भी सेक्टर को अंडर परफॉर्म कर रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन मंथली ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि वेदांता में एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। यहां मैं वीकली टाइम फ्रेम के कंपैरेटिवली इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे लूं तो आपके व्यूज काफी बेटर होंगे। जिस प्रकार से ये ट्रेंड कंटिन्यू दिखा है तो जो नॉर्मल ट्रेडर होंगे वो इस ब्रेकआउट पे 248 पे बाइंग करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो 226 के SL को लगा करके यहां से दो टारगेट आपको दिखेंगे। पहला टारगेट 248.52 के बीच का होगा और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करा फिर एक बड़ा टारगेट होगा जो अनफिल्ड गैप डाउन को फिल करेगा, यानी दूसरा टारगेट 274 आएगा और इसके ऊपर देखेंगे तो 340 to 400 तक के लेवल्स देख सकता है। तो मुझे लगता है कि एक पोटेंशियली ब्रेकआउट वेदांता के अंदर दिख सकता है। एक बार मैं हिंदुस्तान जिंक को भी दिखा दूं, ताकि चूंकि हिंदुस्तान जिंक के अंदर ही ये डिविडेंड की न्यूज है जो कि सब्सिडरी है वेदांता की, और हिंदुस्तान जिंक प्रॉपरली उतना बेटर नहीं दिख रहा है जितना वेदांता दिख रहा है, हालांकि ये भी एक सपोर्ट के आसपास ही है। और यकीन मानिए कि अगर ये 300 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करता है, इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं कर सकता करता है तो पोटेंशियली ये ट्रेंड भी 324 तक का दिख सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान जिंक के कंपैरेटिवली आप वेदांता को एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब के प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं।